जय बाबा बर्फानी गुगे कवानी हो कैसे हो पानी, आपका फिर स्वागत है मेरे एक न्यू फ्रेश ब्लॉग में। मैं हूं प्रांशु और आज का ये जो ब्लॉग है, जैसा कि आप टाइटल में हमें देख के समझ चुके होंगे कि आज का जो ब्लॉग है आने वाली 2023 की अमरनाथ यात्रा के बारे में होने वाला है। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक बहुत सारे लोगों की क्वायरी आती है कि मेडिकल सर्टिफिकेट हम कैसे बनवा सकते हैं, इसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये कहाँ बनता है, इसका क्या प्रोसेस होता है। तो इस ब्लॉग में मैं आपको आज उसी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि मैंने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट आने वाली यात्रा 2023 की, जो कि 1 जुलाई से 31 अगस्त तक की स्टार्ट हो रही है अमरनाथ यात्रा, तो उस यात्रा में मैं भी जाने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यात्रा करने वाला हूँ 3 तारीख को। तो मेरा ब्लॉग जो है अमरनाथ यात्रा का बहुत ही जल्दी आएगा, जिसमें आपको टूर बजट आइटनरी हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी मेरे ब्लॉग की। तो इस ब्लॉग की अगर हम बात करें तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट एंड यात्रा का परमिट बनवाने का पूरा प्रोसेस। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको पूरा प्रोसेस समझाते हैं कि क्या आप श्री अमरनाथ यात्रा का मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे किस तरीके से बनवा सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप जाने के लिए रजिस्टर हो जाएंगे।
उसके बाद आपकी मोड लगेगी और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट होती है जो CMS की होती है इसकी, तो वो आपको मोड को इस पर आपको स्टैंप कराना होगा। उसके बाद आप वहाँ पे जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे पूरी तरीके से अगर आप उसमें स्टैंप करो। और एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके का रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हाई एक्टिविटी है तो रिस्क लेंगे तो आपको दिक्कत होगी। इस वजह से कोई मत लीजिएगा किसी तरीके का, आपको मन लीजिए मैं क्या ऊपर तो नहीं हो सकता, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप ऐसा कोई रिस्क ना लें। और जब आपकी मेडिकल रिपोर्ट अब नॉर्मल आती है तो आप जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आपको एक फीस पे करनी होती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस होती है इसलिए माना जाता है। तो वो अगर आप ऑनलाइन पे करेंगे तो वो आपको पड़ेगी 110 रुपये की, और अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको 120 रुपये जमा करते हैं। अब अगर हम बात करें आखिर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, तो देखिए नॉर्मल सा प्रोसेस है ऑफलाइन या ऑनलाइन खोलने का, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, छोटा सा डिफरेंस। अगर आप ऑनलाइन की बात करें तो देखिए ऑनलाइन बहुत ईजी प्रोसेस है। सबसे पहले आप वेबसाइट पर जाइए, पूरे अपनी सारी की सारी डेली फीस कीजिए, उसके बाद एक OTP आता है, OTP वेरीफाई कीजिए। एंड OTP वेरीफाई करने के बाद आपको अपनी वहाँ पे जो मेडिकल रिपोर्ट का आपको जो रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट मिला है उसको आप वेरीफाई कीजिए एंड उसको वहाँ पे सबमिट कीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपसे एक ये मांगेगा आपके सिग्नेचर, वो आप सिग्नेचर डालिए। देन उसके बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद वो आपको 110 रुपये पेमेंट करने के लिए आएगा, वो आप पेमेंट कीजिए एंड 15-20 मिनट के बाद आपका वहाँ पे कुछ इस तरह का परमिट पर आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड कीजिए एंड किसी मिनट के अंदर से निकलवा लीजिए, और मेन आपका जो आप जाने का परमिट है वो यही है। तो ये आपको बताऊँ हमारे यहाँ यात्रा करते हैं केवल दो ही रूट है, एक पहलगाँव से और एक बालटाल से। बालटाल से अगर हम बात करें तो जो रूट है वो 14 किलोमीटर लंबा है, लेकिन वहाँ पे चढ़ाई थोड़ी खड़ी है। और अगर हम पहलगाँव की बात करें तो वो रूट जो है वो 32 किलोमीटर का है, लेकिन उसमें भी कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चढ़ाई नहीं पड़ती है। और अगर हम ऑफलाइन आपके परमिट की बात करें तो देखिए ऑफलाइन परमिट में आपको रिपोर्ट वगैरह सारी करानी जाती है, और ऑनलाइन परमिट आपका जो था उसकी जो रिपोर्ट जमा होती है वो आपकी हॉस्पिटल में ही जमा हो जाती है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन कराते हैं तो आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो हॉस्पिटल में जमा ना होकर के बैंक में जमा होती है, जो भी बैंक के सीट अलॉट करती हैं जिनको भी ऑर्गेनाइज करा जाता है उन्हीं बैंक में। तो जैसे आप बैंक में अगर आप ऑफलाइन कराते हैं तो बैंक का जो चलान होता है वो 120 रुपये का होता है, और 120 रुपये आप जाइए बैंक में अपना फॉर्म दीजिए, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा आपका, सारी डिटेल होती है, एंड आपसे 120 रुपीज़ का चलान जमा करवाया होता है। उसके बाद आपको हैंड टू हैंड बैंक से ये इस तरह का कुछ परमिट मिला जाता है। मेरा जो परमिट है वो पहलगाँव वाले रूट का है, तो जो मैं अपना जो भी मैं यात्रा करूँगा कि अनुसूचित जमा यात्रा की मेरी 3 तारीख की डेट है और मैं पहलगाँव वाले रूट से यात्रा करने वाला हूँ, तो आपको मैं पहलगाँव रूट की हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आने वाले वीडियोज में दूंगा, ताकि आपको जाने में पहलगाँव रूट से कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ श्री अमरनाथ यात्रा की आप मेरी वीडियो देख करके जब जाएं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर हम बात करें कि आखिर आपको वहाँ खर्चा वगैरह कितना होगा या कितने की आपकी आइटनरी होती है, कितना बजट आ सकता है, तो उसका भी मैं सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा और उसमें आपको आपकी आइटनरी बजट सब कुछ उसमें आपको अच्छी तरीके से डिस्कस करके बताऊँगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी पॉजिटिव वीडियोस डालता रहता हूँ अपने चैनल पर, ताकि आप कहीं भी जाएं तो आपको जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पूरे डेट के साथ आपको मेरी वाली वीडियो मेरे चैनल पर जरूर मिलेगी, आप विजिट कीजिए अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी करेंगे ब्लॉग के साथ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा मैं, प्यार को बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा बर्फानी, उनके को अन्न और प्यासे को पानी।